मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कुरला का रहने वाला है, जिसका नाम जाफर अली लियाकत 27 वर्षीय है। मुंब्रा के रेहान बाग के रहने वाले मोहम्मद गुलाम नबी मुस्तफा 29 वर्षीय विक्रोली से धीमी लोकल ट्रेन में मुंब्रा आ रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन से उतरते समय जबरदस्ती मोहम्मद गुलाम का मोबाइल छीनकर आरोपी जफर अली भागने लगा। तभी मौके पर तैनात जीआरपी और आरपीएफ के स्टाफ और यात्रियों की मदद से आरोपी जफर को पकड़ लिया। आरोपी के पास से फरियादी मोहम्मद गुलाम का एमआई नोट 5 प्रो लगभग 18,000 का मोबाइल बरामद किया गया। आरपीएफ ने आरोपी पर आईपीसी की धारा 392 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरी खबर मुंबई गोवा हाईवे की है, जहां एक एसटी बस का ब्रिज के पास पलटी होने से बड़ा हादसा हो गया है। ये एसटी बस मुंबई से रत्नागिरी में दापोली जा रही थी। मानगांव के पास कलमाने ब्रिज पर सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। ब्रिज से उतरकर ये एसटी बस नदी के पास पलटी हो गई है। इस हादसे में 20 लोग घायल हो गए हैं, जबकि बस में 44 यात्री सवार थे। ये सभी घायलों को मानगांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ इनका इलाज किया जा रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।